अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, एमपी, यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम की परीक्षाओं को लेकर एक नया अपडेट जारी हो चुका है एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यूजी और पीजी की एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम किस टाइप से कराए जाएंगे और रिजल्ट आपका कब जारी होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग यानी कि एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन की यहाँ पर डेट शो करेगी, 4 मई 2021 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्त कुल सचिव की तरफ से नोटिफिकेशन है। विषय में आप देख सकते हैं COVID-19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को ओपन बुक पद्धति से आयोजित कराने के संबंध में ये निर्देश जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और भोपाल से न्यूज़ है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त विषय के संदर्भ में COVID-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि स्नातक प्रथम द्वितीय तथा अंतिम वर्ष यानी कि यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और स्नातकोत्तर द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि पीजी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फाइनल ईयर यानी कि स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून 2021 में जो है आयोजित की जाएंगी तथा परीक्षा के परिणाम जो है जुलाई में घोषित किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर की परीक्षाएं हैं और यहां पर पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो जून 2021 में कराई जाएंगी, जिसका रिजल्ट 2021 जुलाई में जारी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 में आयोजित की जाएंगी तथा परीक्षा परिणाम अगस्त 2021 में जारी किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और इसके अलावा पीजी द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं वो यहाँ पर जुलाई में कराई जाएंगी और इनका जो रिजल्ट है, जो परीक्षा परिणाम है, वो अगस्त 2021 में जारी किया जाएगा। और फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी स्तर पर शेष प्रायोगिक परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति की जो है यहाँ पर परीक्षा समाप्त होने के पश्चात की जाएंगी, यानी कि आपकी यूजी और पीजी की जो ओपन बुक परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी इसके बाद जो है यहाँ पर स्टूडेंट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं ली जाएंगी, जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो कराई जाएंगी संपन्न, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भित आदेश के बिंदु क्रमांक 6 में स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी शामिल की जाती है, अन्य निर्देश जो है यथावत रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर पीजी की जो परीक्षा थी उनको भी अब यहाँ पर शामिल कर लिया गया है नोटिस में और यहाँ पर यूजी की परीक्षाओं को भी शामिल कर लिया है फाइनल ईयर की, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पूरा नोटिस रहेगा, यानी अब यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए, एमएससी, एमकॉम सभी की परीक्षाएं जो है ओपन बुक पद्धति से जो है कराई जाएंगी और परीक्षाएं जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जून और जुलाई में यहाँ पर कराई जाएंगी। रिजल्ट यहाँ पर जुलाई और अगस्त में जारी किया जाएगा और इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल्स जो है रीड कर सकते हैं और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आई होप के फ्रेंड आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपने फ्रेंड में भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप शेयर नहीं करते जिससे कि लोगों तक ये जानकारी नहीं मिल पाती, तो फ्रेंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। और अगर आप
और अगर आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।